दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है दोस्तों नवरात्रों के नौ दिन बहुत पवित्र होते हैं इन नौ दिनों में माँ की शक्ति समस्त संसार में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है आपको बता दें माँ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्रत एवं पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि के नौ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन नौ दिनों में की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है क्योंकि इस समय माँ धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है लेकिन क्या आप जानते हैं इन नौ दिनों में अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो समझो माँ दुर्गा आपकी भक्ति से बहुत खुश है और आपके घर में माता रानी आने वाली है और आपके गरीबी दुख दर्द के दिन समाप्त होने वाले हैं जल्दी ही आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है इन संकेतों का मिलना अत्यंत ही शुभ माना गया है इसीलिए आप इन संकेतों को नजरअंदाज न करें दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहला संकेत जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारण नहीं हो पाए हैं, तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है ये धन हानि का संकेत माना गया है क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गयी है इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है और दोस्तों यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा माना जाता है कि एक रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जो के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है जो के अंदर हमेशा एक रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए जौ को खाली नहीं रखना चाहिए उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता दोस्तों नंबर दो यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह चार बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुश खबरी देने वाली है माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है दोस्तों नंबर तीन यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे पूजा करते समय मन का शांत होना ये दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है दोस्तों नंबर चार नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थाई रूप से हो चुका है आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है की पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है की आपके घर ऐसी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों नंबर पाँच द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम -कुम लगाना न भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है दोस्तों नंबर छह सपने में शेर का दिखाई देना अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है अर्थात कोई भी देवी अगर आपको सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है नवरात्रों में पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर मत करना यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है ये संकेत बताते है की जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा माँ दुर्गा का वाहन शेर है इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है दोस्तों नंबर सात यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं और वो आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे दोस्तों नंबर आठ घर पर उल्लू का आना यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो ये भी शुभ संकेत है इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी दोस्तों नंबर नौ यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के चार बजे के आसपास घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए या शंख की आवाज़ सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है इससे ये पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है दोस्तों नंबर दस नवरात्रों के दौरान घर में काली चीटियों का दिखना लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चीटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है इससे ये पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है दोस्तों अगर आप बाकी में माँ वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे माँ बैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है